हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे नान खटाई बिस्किट्स या कुकीज़ घर पर ही। इसके पहले मैंने एक रेसिपी अपलोड की थी मेरे चैनल पर नान खटाई की, जो आप लोगों को बहुत पसंद आई है। वो रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस रेसिपी का लिंक दिया है। आप वहाँ से वो नान खटाई रेसिपी भी चेकआउट कर सकते हैं। वो मेरे चैनल पर पॉपुलर अपलोड्स में भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप भरकर मैदा लिया है, 1/3 कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, 1/3 कप जो है वो 1/2 कप से थोड़ा सा कम होता है, 1/4 कप मैंने यहाँ पर रवा लिया है, जो फाइन वैरायटी होता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास दूसरी वैरायटी अवेलेबल है तो आपने मिक्सर में उसको फाइन ग्राइंड कर लेना है। 1/4 कप मैंने चीनी ली है, पाउडर चीनी। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में चीनी को पाउडर करके उसको मेजर कर ले और 1/4 कप यूज़ कर ले। अगर आप कम स्वीट खाते हैं तो आपने 1/2 कप तक ऐड करना है। 1/2 कप मैं यहाँ पर देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आलमंड्स मैंने लिए हैं, आप कोई भी नट्स यूज़ करके उसको डेकोरेट कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, आप चाहें तो वेनीला एसेंस भी ऐड किया जा सकता है। और 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर का यूज़ करूँगी। और जस्ट अ पिंच मैंने यहाँ पर सॉल्ट यूज़ किया है। आप अगर सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो आपने सॉल्ट ऐड नहीं करना है उसमें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज़ उसको क्लिक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से नान खटाई बिस्किट्स। तो सबसे पहले सारे फ्लावर्स को हम एक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, इसमें मैं बेसन ऐड कर रही हूँ, और जो रवा लिया था हमने वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे सारा। इलायची का पाउडर ये भी हमने ऐड कर देना है, ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून के आसपास ऐड करूंगी मैं इसमें। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर का यूज किया है। इन सारी चीजों को आप अच्छी तरह से छान भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब हमने इसको साइड में रख देना है। और चलिए अब हम कुकीज बना लेते हैं। तो कुकीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हमने देसी घी को ऐड कर देना है, और देसी घी को हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है जब तक इसका टेक्सचर स्मूथ नहीं हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये बीटर यूज़ किया है, आप स्पून का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसको हम बीट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में। तो ये देखिए, देसी घी को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, इसका टेक्स्चर थोड़ा सा वाइट भी हो गया है और ये टेक्स्चर में बिल्कुल ही स्मूथ हो गया है। अब हमने इसमें पाउडर चीनी ऐड कर देनी है। तो 2 से 3 बैचेज में हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसके अंदर इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये सारा ही मैंने ऐड कर दिया है पाउडर चीनी, और इसको हम मिक्स कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है जब तक इसका टेक्सचर बिल्कुल लाइट एंड फ्लफी और क्रीमी नहीं हो जाता है। और ये देखिए, इसमें इस तरह से स्टिफ पीक्स भी फॉर्म होने लगे हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से ये क्रीम हो गया है और इसका टेक्स्चर बिल्कुल लाइट और वाइट और फ्लफी सा हो गया है। ये देखिए, अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें फ्लावर्स ऐड करते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो धीरे धीरे करके सारा ही फ्लावर ऐड कर देंगे हम इसमें। और अब मैं हाथों के हेल्प से इसको अच्छी तरह से नीट कर लूंगी। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको हम नीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका डो जो है ये अच्छी तरह से मैंने लगाकर तैयार कर लिया है, सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अगर आपका डो बहुत ही ड्राई है और आपको उसको बॉल्स बनाने में या शेप होल करने में इस तरह से मुश्किल हो रही है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून दूध ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने क्वांटिटीज दी थी वो बिल्कुल सही है और ये अच्छी तरह से तैयार हो गया। इसको अब हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर मैं एक स्टील की थाली ले ली है, इसको मैं थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर रही हूँ। आप इसके ऊपर बटर पेपर भी रख सकते हैं, आप चाहें तो एल्यूमिनियम ट्रे भी यूज कर सकते हैं। ये जो डो मैंने प्रिपेयर किया था इसके हमने छोटे छोटे पेड़े ले लेने हैं, जिस भी साइज का आपको प्रिपेयर करना है। इसको हम रोल कर लेंगे इस तरह से, इसको हाथों के बीच में रोल कर लें और उसको अच्छी तरह से प्रेस कर लें। इस तरह से ये तैयार है। और इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक आलमंड रख रही हूँ, आप चाहें तो आप इसके जगह पर चिरौंजी या काजू वगैरह भी लगा सकते हैं, या फिर आप स्लाइस करके आलमंड को भी इसके ऊपर रख सकते हैं। तो ये इस तरह से एक रेडी है, मैं यहाँ पर रख रही हूँ। इसी तरह से हमने सारे बनाते जाने हैं। तो ये छोटा सा मैंने बॉल ले लिया है इस तरह से, इसको इस तरह से रोल कर लेंगे हम अच्छी तरह से। जब ये स्मूथ हो जाए तो इसको बस इस तरह से प्रेस कर लेना है। ये देखिए, इसकी किनारी भी अच्छी तरह से है, ये बिल्कुल भी फटी नहीं है कहीं से। एक आलमंड मैं यहाँ पर लगा रही हूँ और ये इस तरह से रेडी हो गई है। थोड़े से डिस्टेंस पे हमने रख लेना है।
तो ये देखिए मैंने सारा ही इस तरह से रेडी कर लिया है और अच्छी तरह से ये कुकीज़ जो है ये इसके ऊपर मैंने सेट कर ली है थोड़े से डिस्टेंस पर, क्योंकि ये फूलेंगी। हमने इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड किया था और ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए ऑलरेडी रख दिया है कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्रीज पर। इसको मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम ये ट्रे उसमें रख देंगे और उसको अच्छी तरह से बेक कर लेंगे जब तक वो ब्राउन, खस्ता और करारी नहीं हो जाती। तो ये ट्रे जो मैंने प्रिपेयर किया था कुकीज़ का, ये मैं अंदर डाल रही हूँ इसमें और इसको अब हमने बेक कर लेना है। तो यहाँ देखिए ऑलमोस्ट 25 मिनट्स के लिए मैंने इसको बेक कर लिया है और कुकीज़ जो है ये अच्छी तरह से अब ब्राउन हो चुकी हैं। इसको निकाल लेते हैं हम। ये देखिए, तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये बेक हो चुकी हैं। इसके ऊपर अच्छी तरह से क्रैक्स भी आ गई हैं और ये लाइट गोल्डन सी हो गई है। ये देखिए जो हमने आलमंड्स लगाया था इसके ऊपर, वो आलमंड्स भी अच्छी तरह से रोस्ट होकर रोस्टेड आलमंड्स हो गए हैं। तो इसको थोड़ी देर हमने कूल कर लेना है, ये बहुत ब्रिटल सी होती है, टूटने का डर होता है, इसलिए इसको कूल कर लेंगे और उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो इसको वेसल में हम किस तरह से बेक करेंगे, यहाँ पर मैंने ये एक रिंग रख दी है, आप इसकी जगह पर कोई भी बाटी या जाली का यूज़ कर सकते हैं जिससे इसके ऊपर आपको प्लेट रखने में आसानी हो। प्लेट मैं यहाँ पर इसके ऊपर रख रही हूँ ताकि डायरेक्ट हीट नहीं लगे इसको, और उसके ऊपर मैंने ये नान खटाई का जो प्लेट है ये रख दिया है। अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे जब तक ये अच्छी तरह से नीचे से गोल्डन नहीं हो जाता है। तो यहाँ देखिए इसको ऑलमोस्ट मैंने 20 मिनट्स के लिए यहाँ पर रख दिया था और इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए कुछ हद तक ये बड़े हो गए हैं साइज में, और अब ताकि इसके ऊपर से भी कलर आ जाए इसको मैं एक तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, वो तवा मैं यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से रख रही हूँ ताकि भाप जो है ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से बनी रहे। ये बहुत ज़्यादा हीट किया था मैंने इसको, तो ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ हद तक लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है ये, बिकॉज हमने ऊपर से तवा भी रख दिया था इसके ऊपर और ये फूले फूले से भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम टच नहीं करेंगे बिकॉज ये गर्म है और गर्म गर्म में ये देखिए ये टूटने के चांसेस होते हैं। थोड़ा सा इसको कूल कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको चेक कर लेना है। इसको हम नीचे से भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है, ये फूला फूला सा नजर आएगा आपको और अच्छी तरह से ये कुकीज जो है ये रेडी हो गई है। ये देखिए अच्छी तरह से ये हो गई हैं और ये जो हमने वेसल में बेक किया था इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए तो तैयार है माउथ मेल्टिंग नान खटाई बिस्किट्स। जरूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक देकर जरूर बताइए कि रेसिपीज कैसी लग रही हैं। अगर रेसिपीज आ रही है पसंद तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।